तो जोया हो गई हैं एडमिट और यहाँ अम्मी की हो रही है पैकिंग। तो सबसे पहले तो ये जो है हाथ से सिली हुई अम्मी ने बनवाया, हाथ से सिलवा के, गद्दा खुद नहीं सिलाया, सिलवाया है। और एक छोटी छोटी ये फलिया है और ये थोड़ा बड़ा सा गद्दा है। ये छोटी 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 मोटी मोटी सी फलिया है कि आराम से जो है बच्चा शाप शाप बदलने के लिए। और एक ये जोया का सूट है, ये जोया का सूट है, ये सूट है जोया का, ये बच्चे का है। अब देखिए बेबी बॉय होता है कि बेबी गर्ल होता है, जो भी होता है, तो ये बच्चे का है। और ये सारी चीज़ें जो है हमने आप लोगों को दिखाया ही था, ये सारी चीज़ें अम्मी ने मंगवाई थी ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें सब ले के अम्मी साइमा और फरा सुबह में निकलेंगी इलाहाबाद जाने के लिए, और बदकिस्मती से हम नहीं जा पा रहे हैं। हमने बोला तो था कि बदकिस्मती से हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन किस्मत को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किस्मत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। और आपके हाथ में क्या है, आप मेरे हाथ में ये है कि हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी किस्मत बहुत अच्छे करें, बहुत ही आला करें और बेहतरीन करें, दुनिया में भी और आखिरत में, दोनों जहान के लिए अपनी किस्मत के लिए दुआ करना चाहिए। क्योंकि देखिए रात होते होते 11 बजते बजते और सुबह हो गई, और सुबह होते होते ये फैसला हुआ कि हम जाएंगे इलाहाबाद। तो बस हम रेडी हैं और अजान को छोड़ के जा रहे हैं, समझा के कि तुम आराम से रहना और तैयारी करके रखना। ज़्यादा गर्मी रहेगी तो अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको नेक्स्ट व्लॉग भी मिल जाएगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि व्लॉग हर दिन नया हो और कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को देखने का दिल चाहे। खैर, तो आप लोग कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और चलिए सफ़र स्टार्ट होता है, और सबसे पहला जो सुबह सुबह का नज़ारा मिलता है देखने के लिए वो है पुल का नज़ारा, जो कि शाही पुल है और बहुत ही पुराना पुल है। सभी लोग जानते होंगे अकबर ने बनवाया था ये पुल, और अकबर के ज़माने का पुल, और आज तक माशाल्लाह मरम्मत के साथ जो है चल रहा है। और अगर इसकी और अच्छे से देखभाल हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। खैर, तो बस हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया, और सफ़र स्टार्ट होते ही साथ सबसे पहले मिल गई क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग पे पहले एक ट्रेन पास हुई, फिर दूसरी ट्रेन पास हुई, उसके बाद जो है कम से कम 15-20 मिनट हम लोगों को यहीं पे लग गया पहली क्रॉसिंग मिल जाने के बाद। उसके बाद तो यहीं पे अल्लाह का शुक्र है ट्रैफिक नहीं मिला, जाम नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सुबह सुबह का टाइम था, जाहिर सी बात है एकदम नमाज़ पढ़ते ही साथ इंसान निकल गया नमाज़ पढ़ के, ना कुछ खाया ना पिया, पेट खाली। तो पेट खाली हो तो मतली बहुत आती है, और फिर बच्चे थे दोनों साथ में तो उन लोगों को भी मतली बहुत आने लगी थी, बल्कि आयज़ल को तो नहीं होता है, लेकिन आयज़ल को उल्टी आने लगी कि मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है। लेकिन हालाँकि हुई नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन अंदर से उनको गुड़ 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 मच रही थी। तो बस कैसे हो गए तुम? लो भाई तुम लोग निकालो, चलो उठो, टी टाइम हो गए। आइजल क्या कर लियो? आइजल गाड़ी चला, गाड़ी चला, वीडियो बनाए, गाड़ी चला, वीडियो बनाए। आइजल गाड़ी चला, वीडियो बनाए। भैया नाव पकड़ता है, चलेगी नहीं पकड़ोगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर दिक्कत होगी बेटा। हाँ साइन पकड़ता है, पकड़ के अच्छे से करता है तो फिर उसकी वीडियो बनती है। पकड़ो, चलिए तब तक हम लोग पहुँच जाएंगे। वो आइजल हम लोग को इलाहाबाद लेके जा रही है गाड़ी चला के, अब 1 घंटा लगेगा। नहीं, चाय तो नहीं पिया हम लोगों ने, क्योंकि चाय लेते बन के मिलती बनी हुई तो खैर रहती है, लेकिन लेते फिर पीते ठंडी करके, तो हम ठंडी चाय पीते हैं फिर पी के, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती चलते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता। तो फिलहाल चिप्स और पकौड़ी वकौड़ी भैया ने ले लिया था कि जो है चलो खाते खाते निकल चलते हैं फटाफट।
तो बच्चों ने तो चिप्स खा लिया, थोड़ा उनको रिलैक्स हुआ, चिप्स खाने के बाद थोड़ी तबीयत बहाल हुई और उसके बाद फिर से हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया। और ये हम लोग पहुँच गए हैं इलाहाबाद, पहुँचने वाले हैं सबसे पहले तो ये पुल जहाँ पे लगता है कुंभ का मेला, जो कि इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल खाली है और रास्ता भी खाली मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलती है, दूसरे काफ़ी ज़्यादा इधर बने होते हैं टेंट। और ये एंट्री हो गई है मेन इलाहाबाद में हम लोगों की, और बस जल्दी 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 करके पहुँचते हैं इंशाल्लाह। पहले तो आएगा सिविल लाइन, फिर उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे जोया का घर है उसी के घर के पास एक हॉस्पिटल है, आलम हॉस्पिटल, वहाँ पे देख रही हैं ज़ेबा बारी डॉक्टर, उनकी डॉक्टर हैं जो कि उन्होंने जोया का इलाज किया है, मतलब ट्रीटमेंट उन्हीं से चल रही थी। और उसके बाद जो है आज उसका ऑपरेशन भी होने वाला है। 8 बजे का टाइम दिया था लेकिन अभी फ़ोन किया गया तो पता चला कि नहीं अभी टाइम है, अभी डॉक्टर नहीं आई हैं और अभी उसमें टाइम है ऑपरेशन में। तो हो सकता है इंशाल्लाह ताला जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक जोया हम लोगों को मिल जाएगी। और कोई नेता साहब जी गुजर रहे थे तो उनका ये है काफ़ी ज़्यादा बाइक्स और झंडे और पुँ पुँ पुँ, तो हमने सोचा चलो इसको भी बनाते चलते हैं। और ये बस अब हम लोग बिल्कुल करीब हैं हॉस्पिटल के और जोया जो है ऑपरेशन रूम में जा चुकी हैं, हालांकि हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट का फासला और रह गया है लेकिन वो ऑपरेशन रूम में जा चुकी हैं। जब तक उनको इंजेक्शन और जो कुछ भी लगना होगा लगेगा, इस वजह से वो जो है थोड़ा सा पहले चली गई हम लोगों के पहुँचते पहुँचते, थोड़ा सा असल में हम लोग को जो क्रॉसिंग पर जाम मिल गया था इस वजह से लेट हो गई थी। और ये है वो आलम हॉस्पिटल और बस चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जोया के मामू नीचे ही मिल गए थे, उन्होंने कहा चलिए हम लेके चलते हैं। और बस मेरा छोटा सा भैया जो है अब बड़ा हो गया है, पहले तो शादी हो गई और अब बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ताला खबर मिल जाएगी कि क्या बन रहा है, अब्बू बन रहा है लड़की का कि लड़के का, बेबी बॉय का कि बेबी गर्ल का, ये अभी कुछ देर में इंशाल्लाह ताला जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं और ये लिफ्ट चेक की जा रही है कि काम ऑन है या नहीं, लेकिन सामने का नहीं, अब चक्कर आ रहा है इसलिए लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सब लोग सीढ़ी से चलिए। और ये हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और चुपचाप बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और वो है सामने ऑपरेशन रूम जहाँ पे जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो कितना बड़ा शहर है उतने ज़्यादा जो है रूल और रेगुलेशन भी है, तो बस उसी हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा रूल है कि अंदर कोई नहीं जाएगा और हम लोग चुपचाप सन्नाटे में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और फाइनली ख़बर मिल गई है कि भैया अब्बू बन गए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, एक सेहतमंद बच्चा हुआ है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा। बस पहली झलक हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उसकी और देखिए हम भी देखने जा रहे हैं साथ साथ आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, सब लोग माशाल्लाह कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज करें, किस्मत बहुत अच्छी करें और अपने माँ बाप के लिए राहत का बास बने, बाइस बने शायद कहते हैं, राहत का बाइस बने और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करें दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला इससे राज़ी हों, इसके माँ बाप से राज़ी हों, इसके दादी दादा से राज़ी हों, सबसे राज़ी हों और बहुत ही अच्छा रखें, खुश रखें, सेहत दें, लंबी उम्र दें, बहुत सारी जितनी दुआ हो सके उतनी दुआ कीजिए बच्चे के लिए। और आप लोगों को के साथ शेयर कर रहे हैं तो माशाल्लाह कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, बच्चों को नज़र ना लग जाए, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट 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 सी बेबी है, यानी कि बेबी गर्ल है ये और बिल्कुल जोया की कापी है। अभी तो थोड़ी थोड़ी सूजन है, स्वेलिंग है चेहरे पे, बदन पे, थोड़ा सा और पिचकेंगी तो बिल्कुल अपनी मम्मी की कापी दिखाई दे रही है। छोटा सा होठ है, आँख बड़ी सी है, नाक खड़ी सी है, गोरी गोरी प्यारी प्यारी सी, बिल्कुल गुलाबी सी गोरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
और दुनिया में आते साथ सबसे पहला काम इंसान का जो होता है वो होता है मुंह खुलना, यानी कि पेट का भरना। और सबसे पहले बच्चा हो या कोई, मतलब बच्चा इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, जो भी हो, वो सबसे पहले मुंह खोल के चिल्लाता है कि पहले हमको खाने को दो, मेरा पेट भरो। और हाथ जो है डायरेक्ट मुँह में गया है चूसने के लिए। उसके बाद ये लेके आए हैं, नर्स कह रही है हमको दीजिए नेक, तब हम बच्चा देंगे आपकी गोद में, दादी की गोद में। और यहाँ नेक वसूला जा रहा है और उसके बाद अजान दी जाएगी इसके कान में। बस अब अजान देने का वक्त आ गया। पहले फिलहाल इसको लगी हुई थी ऑक्सीजन और थोड़ी सी धड़कन चेक हो रही थी। इधर नहीं, अल्लाह अजान ना। अरे पहले बताइए, अजान ना। नहीं नहीं बस हट रहे क्या जी ठीक हो? ये इनके वो जो एलामिन लग रहा था इंजेक्शन, वो हाथ वो होता है ना गाढ़ा, उससे पूरा ऐसा फूला है ना, ये देखिए टॉयलेट में दोनों उठा पा रही थी, ऐसे ड्रिप चढ़ती तो इतना नहीं आता। एलामिन वो इंजेक्शन गाढ़ा होता है ना। भी आई है भैया मामू की, भैया मामू की एक छोटी सी बेबी आई है, उसका नाम है फातिमा। उसका नाम फातिमा है। हाँ। तुम बताओ क्या नाम है? नाम है अल्लू। अल्लू? हाँ। वो अल्लू तो तुम्हारी दोस्त दूसरी है ना, तुम बताओ क्या नाम रखोगी? उमेजा। हाँ ऐसा नहीं कहते, तुम बताओ। हलीमा। और तुम क्या नाम रखोगी, तुम बताओ? नहीं तुम्हें तो गंदी, तुम तो चुड़ैल हो, तुम गंदी चुड़ैल हो, तुम तो गंदी चुड़ैल हो। हाँ ये क्या, हाँ ये छोटी सी खाला बन गई, कहीं हम हलीमा नाम रखेंगे, अर्तगुल में था ना हलीमा। इसने बब्बू कहा है ना, इसने कह रही भैया था कि हमने उसको बब्बू कहा है। हाँ और इसने, तुमने क्या कहा है? ला ला बेटा ला दो, छोटा वाला लो बेटा, देखो और ठंडा है, इधर आओ देखे, आ देखे इधर ठंडा है। इधर से और इधर से, ये है देखो, वो छोड़ दो किसी की ट्रॉली, ये ले लो, ये सब बड़ा बड़ा है लेकिन अचार ठंडा भी नहीं है। ये है, ये देखो, ये कोका कोला, ये है, ये है कोका कोला, खोलना मत। रेड वाला कि ऑरेंज वाला? ये उमेजा के लिए ले लो, चलो चलो। बिस्किट लेना है? ये वाला बिस्किट लेना है? छोटा वाला लोगे? वो है वो सामने, तुम भी लोगे इधर? बस ये एक ले लो, हाँ ये एक ले लो, ले लो हाँ पूरा। क्या चाहिए तुम्हें अब? हाँ और क्या चाहिए? आ चलो बस आओ, चलो
उधर 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 वहाँ वहाँ यहाँ ए बेटा ए बेटा यहाँ यहाँ ले लो तुम भी ले लो हाथ में ला हम उठा दे बेटा तुम नहीं पहुंच पा रही हो ना ये लो ये लो ये लो वो झोला दे। उसके बाद अशाज ने कहा कि नीचे जो है कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी हमने देखी थी चलिए हमको कोल्ड ड्रिंक दिला दीजिए। तो बस अशाज और आयजल को लेके आ गए हैं नीचे दिलाने के लिए। एक छोटा सा शॉपिंग मॉल ऐसा है और बस यहाँ से इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक दिलाई है और आप लोगों को भी यहीं से करते हैं अलविदा और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा